हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे कद्दू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कटा हुआ प्याज लिया है, दो हरी मिर्च ली है और कद्दू लिया है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने ऑयल गरम कर लिया है कढ़ाई में। इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी ऐड की है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा हींग ऐड किया है। इन सबको ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे। जब हमारा ये ब्राउन हो जाएगा, इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज कितनी अच्छे से फ्राई हो रही है। अब हम इसमें कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। इसको भी साथ में ही अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें मैंने सौंफ धनिया ऐड किया है। स्वाद अनुसार 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड की है। हल्का सा हल्दी पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार मसाले ऐड कर सकते हो। अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई होने दीजिए, जिससे उसमें अच्छे से खुशबू आए और सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। अब मैंने इसमें ये 2 चम्मच शक्कर ऐड की है। उसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच ग्राइंड किया हुआ अदरक ऐड कर रही हूँ। फिर हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे और मसाले और कद्दू को अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक इसको कढ़ाई में ही फ्राई करना है। तो हम 5 मिनट में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद मैंने कद्दू कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो मैंने कद्दू में अब थोड़ी सी शक्कर और ऐड की है। अब हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे कुकर की। ये देखिए हमारा कद्दू बनकर रेडी है। अब हम इसमें अच्छे से इसको पीस लेंगे, चमचा मारकर अच्छे से पीस लेंगे। तो थोड़ा सा मिठास कम था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर और ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अनुसार भी बढ़ा सकते हो। और इसमें मैंने आधा चम्मच अमचूर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए, हमारा कद्दू बनकर रेडी है। बिल्कुल भंडारे जैसा टेस्ट, खुशबू आ रही है हमारे कद्दू की। ये देखिए, और हमारे कद्दू का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।